पंजाब ते इस वेले दी वड्डी खबर ने दस्तक दिती है। चलदी ट्रेन दे विच फायरिंग हुई है। जी हां, चलदी ट्रेन दे विच गोलीबारी हुई है, जिस विच चार लोकां दी मौत हो गई है। इस वेले दी सब तो वड्डी ते अहम खबर तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं कि चलदी ट्रेन दे विच फायरिंग हुई है। इस दौरान गोलियां लगन कारण चार लोकां दी मौत हुई है। दस दी कि RPF दे ASI समेत चार लोकां दी मौत हुई है। ये दस्या जा रहा है कि RPF दे कांस्टेबल ने ही फायरिंग की है। ता वड्डी ते हम खबर तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं कि चलदी ट्रेन दे विच फायरिंग हुई है। ते घटना सवेरे 5 to 5:30 दे विचकार दी दसी जा रही है, जदों कि चलदी ट्रेन दे विच ताबड़तोड़ गोलियां चलियां अते चार लोकां दे गोलियां लगन कारण चार लोकां दी मौत हो गई है, जदों कि होर कई यात्री जिहड़े ने जख्मी दसे जा रहे ने। ता मरण वालिया दे विच इक RPF ਦਾ ASI ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ 3 ਯਾਤਰੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ RPF ਦੇ ASI ਸਣੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ RPF ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ट्रेन दे विच बैठे सन उन्हां नूं भी गोलियां लगियां ने। ते 3 यात्री ते 1 ASI दी मौत हुई है। ता 4 लोकां दी गोलियां लगण कारण मौत हुई है। दस्सीए कि गुजरात तो मुंबई आ रही ट्रेन दे विच फायरिंग हुई है। ता जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन दे विच गोलीबारी हुई है। ता गोलियां चलियां ने जिस दे विच 4 लोकां दी मौत हुई है। दस्सिया जा रहा है कि इस घटना दे विच होर कई यात्री भी जिहड़े ने गोलियां लगण कारण जख्मी होए ने। ता इस वेले दी वड्डी ते अहम खबर तुहाडे तक पहुंचा रहे हां कि जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन दे विच गोलियां चलिया ने। RPF दे कांस्टेबल ने अपने ही साथी ते गोलियां चलाईयां सन, जिस दौरान 4 लोकां दी मौत हुई है। ASI सने 4 लोकां दी मौत हुई है ते होर कई यात्री जिहड़े ने गोलियां लगण कारण जख्मी दसे जा रहे ने। दस दिए कि चेतन सिंह नाम दे पुलिस मुलाजम ने अपने साथी ते गोलियां चलाईयां सन, जिस तों इलावा कुछ यात्रियों नूं भी गोली लगदी है अते उन्हां दी मौत हो गई है। फिलहाल घटना तों बाद पुलिस ने मुलजम नूं अपनी हिरासत विच लै लिया। ता मुंबई विच राजस्थान एक्सप्रेस ट्रेन च फायरिंग हुई है, ता गोलियां चलियां ने, गोलियां लगण कारण 4 लोकां दी मौत हुई है। ता जिस मुलजम दे वल्लों चलदी ट्रेन दे विच अपने साथी ते गोलियां चलाईयां गईयां उस नूं गिरफ्तार कर लिया गया। ता हालांकि ए घटना क्यों वापरी है, फायरिंग क्यों कीती गई है पुलिस मुलाजम दे वल्लों, इस बारे हाले तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई। जांच दा विषय है पुलिस दे वल्लों, हालांकि जांच कीती जा रही है। ते इह वी दस्सिया जा रिहा है कि घटना तों बाद ट्रेन जिहड़ी है मुंबई सेंट्रल स्टेशन ते आ पहुंची है। गोलीबारी दी इस घटना दे विच कुछ यात्री भी जख्मी होए ने, अजिहा दस्सिया जा रहा है। इस घटना दे विच इक पुलिस मुलाजम नूं भी हिरासत विच लिया गया। ते वड्डी ते अहम खबर तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं कि चलदी ट्रेन दे विच फायरिंग हुई है। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस दे विच ताबड़तोड़ गोलियां चलियां ने ते गोलियां लगण कारण RPF दे ASI सने 4 लोकां दी मौत हुई है, जदों कि होर कई यात्री जिहड़े ने जख्मी दसे जा रहे ने। ता बेहद मंदभागी खबर तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं कि चलदी ट्रेन दे विच फायरिंग कीती गई है। RPF दे कांस्टेबल दे वल्लों अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर दे नाल फायरिंग की गई अपने साथी ते, इस दौरान 4 लोकां दी मौत हुई है गोली लगण दे कारण। ता जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन दे विच गोलीबारी हुई है। बहुत वड्डी खबर तुहाडे तक पहुंचा रहे हां। दस दे कि चेतन सिंह नाम दे पुलिस मुलाजम दे वल्लों अपने ही साथी ते गोलियां चलाईयां गईयां, ताबड़तोड़ गोलियां चलियां जदों चलदी ट्रेन दे विच, तां लोकां दे विच सहम दा माहौल बन गया अते कई लोग जिहड़े यात्रा कर रहे सन ट्रेन दे विच उह जख्मी भी होए ने। हालांकि 3 यात्रियों दी इस घटना दे विच मौत हो गई है ते 1 RPF दे ASI ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। RPF ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ
ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।